ठीक है, हाउसेस और ब्रिज वगैरह बनाने में। तो देखो घर, घर जो बनाते हो छड़ किस चीज़ का होता है? छड़ लोहा का सर। लोहा का। पुल वगैरह बनता है तो किस चीज़ का यूज होता है? लोहा का। समझ में आ रहा है बात? तो लोहा का इस्तेमाल कहाँ होता है? घर और पुल बनाने में। कहाँ होता है? घर और पुल बनाने में। अब हम बनाएंगे सर नली बनाने में। नली बना लेना रे तुम, नली साफ करने वाला भी लोहा का ही बना लेना, ठीक है? यस सर। ना उसका गहना, गहना बनाएंगे किस चीज का? लोहा का। सोना का। किस चीज का बनाएंगे? सोना चांदी। सोना और चांदी सर, का। लोहा भारी है कि सोना भारी है? गहना सर हीरा का ही बनाएंगे। चांदी हीरा तो जेम्स हो गया ना, पत्थर हो गया, नॉन मेटल में आ जाएगा। वो लगाएंगे ना सर, सेट करेंगे। सर हम पूछे कि लोहा भारी की सोना। अच्छा नॉन मेटल होगा क्या? लोहा है सोना दोनों नहीं, नॉन मेटल नहीं कार्बन ही है, राइट? तो नॉन मेटल हो जाएगा आपका सर। ज्यादा भारी कौन है, सोना की चांदी? अब वही हाल हो गया ना कि एक किलो रुईया भारी है कि एक किलो लोहा भारी है? वही बात होगी सर। मेरे पापा पूछते हैं कि एक किलो रुआ भारी कि एक किलो नहीं, इस तरह पूछते हैं सर, सुनिए ना। एक किलो रुआ से मारे, एक किलो बटखारा से मारे, चुटकी से लगे, माथा किससे फूटेगा है ना। चल देख इधर आगे, फिफ्थ नंबर पांचवा पॉइंट देख। पांचवा नंबर का जो पॉइंट है आतिशबाजी में, कहाँ होता है? आतिशबाजी में। आतिशबाजी, आतिशबाजी में क्या होता है? क्रेकर्स में। क्रेकर्स में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है आपका? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का यूज कहाँ करते हैं? क्रेकर्स में करते हैं। कहाँ करते हैं छोटे? ये हम कल पूछेंगे आप लोग से, ठीक है? कल हम पूछेंगे आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद कल हम यूजेज ऑफ मेटल्स पूछेंगे और नॉन मेटल पूछेंगे। क्या पूछेंगे? नॉन मेटल। तो क्रेकर्स में मैग्नीशियम का यूज करेंगे, पटाखा में। समझ में आ रहा है बात? उसके बाद खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए सर, मतलब क्या हुआ ये पड़ा? पटाखा में उसका यूज करते हैं। पटाखा जो होता है आपका मैग्नीशियम होता है। बारूद वगैरह बनाने में उसका यूज होता है ना। सिक्स नंबर, हाँ सिक्स नंबर जो है आपका, सिक्स नंबर जो खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए, खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए, को ढकने के लिए किसका यूज करते हैं? एल्युमिनियम फॉयल का। किसका? एल्युमिनियम का। अरे एल्युमिनियम वाला पतला नहीं होता सीट, एल्युमिनियम वाला। आप मैगी चाट वगैरह घर के लिए पैक रख लाते हो तो कैसा चमकता हुआ रहता है? एल्युमिनियम फॉयल, पेपर बोलते हैं, एल्युमिनियम पेपर है ना। तो एल्युमिनियम पेपर जो खाना वगैरह ढकने के लिए भी यूज में लाते हैं, किसको लाते हैं? एल्युमिनियम को। किसको लाते हैं? सर कोई और पेपर उससे नहीं ढक सकते सर, उससे क्या फायदा है? उससे उससे क्या फायदा बताते हैं? पहले एक मिनट रुक, पहला तो हो गया सस्ता, पहला सस्ता हो गया। दूसरा अगर खाना उससे ढक दिए हो, जैसे मान लो रोटी आपको 10 रखना है, 10 उसमें पैक कर दिया तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, गर्म रहता है सर। हाँ और सेफ भी रहेगा। और जब खाने से क्या चाहते उसको? किसको? वो खाया जाता है नहीं, वो दूसरा सिल्वर पेपर होता है, वो सिर्फ इसी तरह रहता है, उसको हटा दीजिए, उसको खाना वाना नहीं खाता। समझ रहे सर? चिपक जाता है सर, छूटता नहीं है। वो सही चीज़ नहीं है आपके हेल्थ के लिए, समझ रहे हैं बात? वो इसे सुंदर दिखे इस कारण से रहता है वो। हाँ सेवन, सेवन नंबर देखिएगा आप, याद दिला दो। विद्युत, विद्युत तार एवं खाना बनाने वाले बर्तन, कौन सा है? विद्युत तार एवं खाना बनाने वाले, फ्यूज है क्या? फ्यूज बोले फ्यूज है सर, फ्यूज नहीं, फ्यूज है वो। हाँ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फ्यूज और प्लस में क्या? खाना बनाने पकाने वाले बर्तन, बर्तन में कौन बर्तन? खाना पकाने वाला, कौन सा बर्तन? खाना पकाने पकाने वाला, राइट? तो इसमें आप टीन का यूज करते हैं, किस चीज़ का यूज करते हैं? टीन, टीन का वही सर, टीना वही टाइप का कुछ आपका। तो ये चीज़ें हैं, राइट? एट नंबर मेरे पूछना वक्त पूछना तुम लोग, ठीक है ना? अंतरिक्ष शोध में, अंतरिक्ष शोध, शोध मतलब बताते हैं अंतरिक्ष, स्पेस रिसर्च बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? स्पेस रिसर्च, शोध में स्पेस, स्पेस रिसर्च। इसमें किस चीज़ का यूज करते हैं? सोडियम का और टाइटेनियम का। किस चीज़ का? टाइटेनियम में यूज आता। अच्छा को ऊपर नीचे हो गया क्या? हाँ, थर्मामीटर छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो अंतरिक्ष सोच में स्पेस रिसर्च जो होता है ना, स्पेस में जो रिसर्च करते हैं वो सोडियम और टाइटेनियम का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं बाबू? उन्हीं लोग जो शोध करते हैं वही बताएंगे, ठीक है ना? हमको इसके बारे में नहीं मालूम, समझ रहे हो बात? कभी हम देख लेंगे, नेट वगैरह देख के बता देंगे आखिर कहाँ यूज करते हैं हम लोग, ठीक है? अगला जो है थर्मामीटर के बारे में हम लोग देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? थर्मामीटर। दबाना छोटे इसको, नाइन नंबर है।
नाइन कर देते हैं इसको। यस सर। थर्मो मीटर, मीटर में किसका ये इशू हो जाता है? पारा का। अरे पारा को क्या बोलता है? मेल्टिंग, मेल्टिंग। एच जी बोलता है एच जी मीन्स एच जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एचजी। मरकरी। मरकरी सर। हाँ मरकरी। एचजी होता है इसका नाम। सैम्बल जो होता है कितना होता है? एचजी होता है। राइट। तो जो थर्मामीटर देखे ना उसमें जो पारा होता है आपका, राइट, क्या होता है उसका? अरे इधर करना थोड़ा सा उसको। हाँ थर्मामीटर में क्या होता है आपका? एचजी होता है। क्या होता है? एचजी। बुझा रहा है? हाँ, छोड़ के गई है वो। ठीक है रख, फिर बुझा वहाँ के ले जाएगी अपना। जल्दी नहीं, पीछे जो गई है ना। नाइन हो गया ना। अब ये देखो दसवां नंबर पॉइंट, दसवां जो एक्सरे वगैरह होता है ना, क्या होता है एक्सरे? हाथ पैर किसी का डैमेज हो गया तो एक्सरे में आप किस चीज़ का लेड का यूज करते हैं? किस चीज़ का लेड? लेड का यूज करते हैं। टीबी। लेड आपका जो है एलिमेंट है ना, जैसे सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, इसी तरह से लेड भी होता है। ठीक है, नेट वगैरह में आप सर्च करके देखोगे तो आपको शायद पता चल जाए कि लेड कैसा दिखता है आपका। ठीक है, तो लेड का यूज कहाँ करते हैं आपका? एक्सरे वगैरह हम कहाँ करते हैं? एक्सरे। हाँ इसको लेड बोलते हैं। धातु के, ये धातु हो गया ना। इसका भी दस करेगा? नहीं पूरा सर, जो हाँ। प्लास्टर तो वो है ना, एक्सरे वो है ना। एक्सरे। हाँ मुझे लेड वाला इसे नहीं सटाता दहिया में। नहीं हाँ सर, एक सटाते सर हमको चेस्ट चेक करते हैं ऐसे, देता पैड जैसे ऐसे सटाने बोलता है। अच्छा वो। हाँ सर। हाँ तो कांच वगैरह टाइप का होगा वो। हाँ हाँ है ना, वही लेड। हाँ हम कफ से देख रहा था कितना कफ है मेरा, मैं वही देख रहा था। चलो देखो यहाँ पर अब यूजेज ऑफ हम लोग देखेंगे नॉन मेटल। क्या देखेंगे? यूजेज ऑफ नॉन मेटल। यू एस ई एच, यूजेज ऑफ नॉन नॉन मेटल करते हैं। नॉन मेटल मतलब क्या होता है? अधातु। अधातु। अधातु कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये चीज़ें हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से हैं। ऑक्सीजन दहन एवं सजीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। अब बता ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या यूज करेंगे ऑक्सीजन का? और AO2। ऑक्सीजन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? श्वसन के लिए। यस सर, सांस लेने। श्वसन मतलब रिस्पायरेशन। इसके बाद रिस्पायरेशन में, श्वसन में यूज करते हैं। और दूसरा कहाँ यूज करते हैं इसका? दहन में। दहन मतलब होता है कम्बस्चन में। कम्बस्चन चैप्टर पढ़ाया जी आप लोग को? दहन और ज्वाला पढ़ाया? हम पढ़ चुके हैं, लोग पूरे हम पढ़ाया तुमको दहन और ज्वाला क्या पढ़ाया? पहले मतलब कि गए थे ना वहाँ एक अंगड़ी सूरज भी मेरे हैं। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। दहन और कम्बशन पढ़ाएंगे तो शायद समझ में आ जाएगा आपका। कम्बशन का दहन बोलते हैं, जलता है कोई भी चीज़। यस सर। उसमें तो कोई भी चीज़ जलाने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा, बिना ऑक्सीजन का आप नहीं जला सकते। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो अगर आप यहाँ आग जलाना चाहो रूम में, तो आग तभी जलेगा जब इस रूम में ऑक्सीजन होता है। तो सर जल जाएगा है ना, ऑक्सीजन तभी तो हम लोग सांस ले बैठे हुए हैं। नहीं सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, आग बुझ जाएगा, भले ही फ्यूल कितना हो आपके पास। फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल कुछ भी रखे हो, लकड़ी रखे हुए ऑक्सीजन। हाँ पेट्रोल डालेंगे नहीं, ऑक्सीजन खत्म हो जलेगा। बार मोबाइल नहीं नहीं घुमा, इधर घुमा, हिलने दो, हिल रहा है तो घुमा इधर सर। उन लोग डोल रहा है। अरे हाँ डोलने दो, इधर करो फैन इधर करो, डोलने दो, डोल रहा है। तुम लोग पढ़ो बढ़िया से। ठीक है चलो नेक्स्ट है यहाँ पर सेकेंड नंबर, विटामिन वसा। विटामिन फैट, वसा को क्या बोलते हैं? फैट बोलते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, कार्बो कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है? कार्बन के रूप में होते हैं। ये सब क्या है? कार्बन ही है। ये सब क्या है आपके? कार्बन ही है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। नहीं हमारे शरीर में क्या जरूरत है? विटामिन जरूरत होता है। क्या क्या रहने लायक क्या बोल रहे शादी में क्या करोगे इसमें ले जाएंगे? पहनेंगे सर बस। अब पहन लो, बाला पहन लेना, कान में भी पहन लेना। नहीं सर उस ठीक है, तो इसको रखे रहो ना, ये पहनते हमको कोई दिक्कत नहीं है। सर चमकता है, अच्छा लगता है। हाँ
झगड़ा झंझट मत करना सर, नहीं करते वो माथा फाड़ दिया था उससे सर, किसी को नहीं फाड़े देख, इधर इधर देख, इधर देखा इस तरह पकड़ के मारा था इस तरह से, नहीं हम किसी को नहीं मारे, उसी तरह मारा भी जाता है सर, मारा जाता है इस तरह मारेगा तो इस तरह मारेगा था, उसी को पता चला हाथ उसमें लग गया, चूड़ी पहनता है। चलो ये देख इसको ना रखो अपने पास, चलो देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ये जो हमारे शरीर में किस चीज़ जरूरत है, विटामिन का किस चीज़ जरूरत पड़ता है, विटामिन फैट का जरूरत पड़ता है, यस सर, नहीं यस सर पड़ता है जरूरत, प्रोटीन का जरूरत पड़ता है, यस सर, कार्बोहाइड्रेट का जरूरत पड़ता है, यस हाँ, मिनरल्स वो मिनरल्स हैं हम नहीं लिखे उसका कारण है क्योंकि इसमें कार्बन छोड़ के और भी बहुत चीज़ें होती हैं, है ना, लेकिन ये सब चीज़ें जो है इसमें कार्बन होता है, इसमें क्या होता है कार्बन, मतलब कार्बन का ही भाई बहन सब कुछ है, यस एक ही खानदान है, कार्बन का खानदान है, आम पकाया जाता है कार्बन, कार्बन से सर बता, उसमें भी ये सब मेरे पापा आम बेचते थे, तो सर मेरे पापा आम बेचते थे ना, तो उसके अंदर एक पेटी पेटी आम लाते थे, तो इसमें अंदर चौची तो दिया हुआ रहता था, कागज हां कागज में तो ऐसा पाउडर टाइप का, पूरा पाउडर टाइप का आ रहे वो प्लास्टिक में करके वो कार्बाइड होता है, तो उससे पकते रहते हां, वो हीट जनरेट करता है अंदर, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे वो जलता है, कार्बन के अपर रूप कौन कौन है, कार्बन का अपर रूप कौन कौन सा है थर्ड नंबर में, जैसे हीरा, कार्बन देखे कार्बन से ही क्या है आपका डायमंड, यस सर डायमंड हो गया, ग्रेफाइट, यस सर आदि, ग्रेफाइट और कोल आदि खाने वाला, कोल से ही तो यही दोनों का जन्म हुआ है ना, yes, तो ये कार्बन का ही अपर रूप है, अब देखो ये सब का यूज करते हैं, डायमंड का यूज जेवर वगैरह में करते हैं, yes, है ना, अंगूठी बना लिया किसी, so किसी का शादी भी है तो अंगूठी पहनाता है तो डायमंड का देता है, नहीं yes, कान में पहनने के लिए करोड़ का डायमंड का सर अंगूठी देगा तो आप इसका जवाब, हां हम लोग का नहीं है सर, अच्छा रन 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 वाटर हाँ ठीक, तो इसमें हम लोग कहाँ पढ़े बाबू, कार्बन का जो तीन, ये कार्बन क्या आधातु है, कार्बन क्या है आधातु, यहू कार्बन क्या है आधातु है, ऑक्सीजन क्या है आपका, ऑक्सीजन जो भी हम लोग पढ़े वो भी क्या है आपका आधातु, समझ में आ रहा है बात, तो आधातु का भी तीन यूज आप लोग देख रहे हैं, ऑक्सीजन का देख लिया आप लोग, और विटामिन फैट वगैरह ये भी कार्बन का ही रूप होता है, कार्बन का इधर रूप जो है डायमंड ग्रेफाइट और कोयला वगैरह ये भी सब क्या होता है आपका कार्बन ही होता है, समझ में आ रहा है बात, छोटी मुंडी हिलाती है, क्वेश्चन आंसर तुम नहीं ना करो तब हम बता देंगे, क्वेश्चन अपने से करेंगे हम बताएंगे, हाँ बता दीजिए तो ठीक, अगला अगला जो है इधर, अगला जो है रट्टा मार होगा, नहीं रट्टा मार नहीं होना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का यूज कहाँ करते हैं देखें यहाँ पे, चौथा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो सबसे हल्का गैस, हाइड्रोजन जो होता है सबसे हल्का गैस होता है, कौन सा गैस तो सबसे हल्का, इसका फ्यूल में वो यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं फ्यूल मतलब ईंधन ही होता है राइट, अब देखो अभी हम लोग हाइड्रोजन का यूज फ्यूल में बहुत कम करते हैं, ना के बराबर है, करेंगे यूज ठीक ना, हाइड्रोजन यूज अगर करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फायदा रहेगा हम लोग के लिए, समझ रहे हैं बात, तो अभी हम लोग पेट्रोल वगैरह यूज कर रहे हैं, बैटरी वगैरह यूज कर रहे हैं सर, जो चीज़ फायदा है तो उसको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं अभी सर, उसके लिए बढ़िया बात ना है सर, उसको उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं सभी ठीक ना, प्रिपेयर होना जरूरी है ना, यस सर। फिफ्थ नंबर में इसी में अगर हाइड्रोजन के बारे में देखेंगे तो हाइड्रोजन का यूज जो है हम लोग कहाँ करते हैं, तेल, वनस्पति तेल उत्पादन में, कहाँ पे वनस्पति तेल, वनस्पति तेल उत्पादन में, पांचवा नंबर हो गया सर, उत्पादन में सर और ज्यादा नहीं छोड़ दो ना हम देख लेंगे, वनस्पति तेल उत्पादन जो हम लोग तेल खाते हैं उसके बारे में बोला जा रहा है, किसके बारे में, हम लोग तेल खाते हैं ना, रिफाइन तेल वगैरह जो खाते हैं और पकौड़ी छानकर डालडा वगैरह जो है ना वो सब बनाने में हम लोग, डालडा खराब है कि रिफाइन, दोनों खराब है, तेल दोनों, आपको तेल खाना है ना, आप सरसों का तेल खाइए असली, अपने से पेराक इंसान खुद से पेराक खाइए, आपको खाना है तेल, आप बादाम का तेल खाइए, आप नारियल का तेल खाइए ठीक है, लेकिन जो आपका रिफाइन तेल जो खाते हो ना सोयाबीन वाला, सर नारियल तेल में खाना बनेगा जी, बनाते हैं लोग, अरे बनता है नारियल तेल, कौन किस में डालने वाला जी, जो आप बाल में नारियल तेल लगाते हो ना वो खाना बनाने वाला ही है, लेकिन उसका जो मालिक है उसको बाल में लगाने वाला बेचता है, काहे काहे अगर खाना बनाने वाला कह के बेचेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, और बाल में जो तेल लगाते हैं उसमें उसको कम टैक्स देना पड़ता है,
ठीक ना, इसीलिए तेल जो बेच रहा है खाना बाद में पकौड़ी छाने के साथ देख लेना बना के, एक बड़ी महंगा है सर, ठीक है हां वो बड़ी महंगा। एक आदमी पी गया था, एक मतलब आदमी लेडीज थी पी गई थी पूरा वही तेल गर्मी का दिन में, क्या हुआ सर उसका? कुछ नहीं हुआ, क्या होगा उल्टी हुआ ना, नारियल नारियल स्वाद लगा होगा। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें आयोडीन, आयोडीन जो है उसका यूज करते हैं हम लोग रोगाणु रोधक रूप के रूप में, किसके रूप में करते हैं? आयोडीन का यूज किस में करते हैं? रोगाणु रोगाणु रोधक के रूप में, ठीक ना, रोधक के रूप में करते हैं हम लोग इसका यूज। सिक्स नंबर देखना आपको, सिक्स नहीं सिक्स, इसी में आयोडीन का यूज जो हम लोग नमक में भी करते हैं, इसी में क्या करते हैं? आयोडीन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? नमक, नमक में, ठीक है समझे, रोगाणु रोधक में भी करेंगे नमक में भी करेंगे, ठीक है ना, रोग से बचाने में, ठीक है ना। हाँ, जैसे आयोडीन अगर खाएंगे तो हम लोग कौन सा घेंघा रोग से बचेंगे, कौन सा रोग से बचेंगे? घेंघा, घेंघा जो गर्दन के पास उसको वाला गेंद आ जाता है, नहीं ऐसे देख इधर से यहाँ पर ऐसे पट्टी से बंद रहते हो, किसी वो किसी का गर्दन वगैरह में मोच लग जाता है, ऐसे करेगा दर्द देगा। जैसे मान लो कोई सोया गर्दन टेढ़ा करके सो गया रात में तो पिटा गया, तक मुझक गया, हम सोते हैं ना सब कहते हैं सर जब पैर दर्द से जमे ना उसको से सर्वाव ठीक हो जाएगा। अच्छा ये हो रहा है रे रिकॉर्डिंग, हां हो रहा है। चलिए नेक्स्ट जो, हां झुनझुनी की बढ़ता है ऐसे सोने रहेंगे ना ऐसे रखा, मतलब हाथ तो झनझनाता है, सो वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है सही ढंग से, इस कारण दब जाता है, ऐसे सर लगता है कटिया भूख रहा। चल देख इधर आगे देख, कटिया भोके नाइट्रोजन बोका टाइप का एकदम करते हो रे, हम बोका से। चल देख इधर, छठा हो गया ना, इधर मींस फाइव हो गया, सिक्स नंबर देखना आपको, मतलब सिक्स नंबर यही नाइट्रोजन के बारे में देखना, आयोडीन देखनी है ना। अब एन आई टी आर ओ जी एन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को एन से दिखाते हैं राइट, किस चीज़ से दिखाते हैं? एन से। ये आधातु है, ये भोजन को बचाने के लिए इसका यूज करते हैं, मतलब भोजन संरक्षण में, किसमें? भोजन संरक्षण में। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? पौधा द्वारा प्रोटीन बनाने में, चल गया सर, पौधा द्वारा प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन सिक्स सेवन वही है बनाने में। हाँ देखो भोजन संरक्षण मतलब क्या हो, जैसे आप जो खाते हो कुरकुरे खाते हो, आप लेज खाते हो, उसमें जो हवा भरा हुआ रहता है वो नाइट्रोजन गैस उसमें भरा हुआ रहता है, उससे खराब नहीं होता ना, उससे खराब नहीं होता है, तो वही भोजन संरक्षण है। सर जो बिस्कुट पैक किया जाता है उसमें भी रहता है, मे भी उसमें भी हो सकता है ना, कुछ कहा नहीं जैसा, तो उसमें भी हो सकता है, तभी तो लंबे समय तक सेफ रहता है, समझ रहे हो बात? तो उसमें हवा होगा इसी कारण से, हवा नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन होना चाहिए, एयर चल गई, ठीक है ना, हवा जब उसमें जाता है तभी वो खराब होगा, है ना, ऑक्सीजन चल जाएगा। हाँ अब देखिए सिक्स सेवन नंबर में आपको देखना, नाइट्रोजन हो गया ना, के है हेलो, हाँ घर पे, हाँ पढ़ा रहे, कहाँ, ठीक है आते हैं, प्लॉट पे जा रहे हो? 250 ग्राम आते हैं हम आधा घंटा में उधर, ठीक है ठीक। चलो देखना है इधर आगे, एक बच गया ना, द्रवित नाइट्रोजन रक्त एवं दान किए गए शरीर के अंगों को सुरक्षित रखने में, मतलब अगर मान लो कि कोई आदमी मीन्स ब्लड डोनेट किया है, क्या डोनेट किया है? ब्लड डोनेट किया है, या तो फिर कोई ऑर्गेन डोनेट किया है, ऑर्गेन मतलब अंग, शरीर का अंग, जैसे आँख डोनेट कर दिया है, ठीक है ना, इस टाइप का, तो उसको भी सुरक्षित रखने में नाइट्रोजन का यूज करता है, किया जाता है। सर डोनेट करता है, दोनों करता है कि एक? कोई आदमी बोलता है कि आँख हम डोनेट कर देंगे अपने, मतलब मेरा जीवन खत्म हो जाएगा तो हम अपना आँख डोनेट कर देंगे, आँख बेच देते हैं, डोनेट बेचना और डोनेट करना में अंतर है, डोनेट मतलब क्या, दान देना, दान देना, कि कोई अंदर है तो उसको दे, लेकिन बहुत कोई सब अथी करता है सर, बेच देता है सर, बेच देता है तो सर, इतना सर अंधा अंधा आदमी किसी को दिया आज तक, डोनेट नहीं दिया, बिका था सर, मुंबई में देखे से दो तीन वो तो मरने से पहले उसका था, मतलब की तो सुरक्षित रखने के लिए, देखो बहुत बहुत गलत काम होता है, समझ रहे हैं बात, उसका क्या कर सकते हैं। अब देखो क्लोरीन का यूज पढ़ेंगे हम लोग, किसका यूज पढ़ेंगे? हाँ मरने पहले भी किया था, पहले वो बोल दी कि मतलब
अपना डोनेट कर दी है राइट, पहले बोल दिए थे। अगला सेवन नंबर, ए क्या फायदा उसका फैमिली नहीं है। सेवन नंबर देखो यहाँ पे, सेवन नंबर बेचने से क्या होता है, उसमें लगा देंगे तो क्या होगा, ताकि उसका आवाज़ उसी का जैसा आवाज़ आ सके, इस कारण से उसको ये किया हुआ है। ठीक है, समझ रहे बात। हाँ, अभी कहाँ, अभी आदमी का डीएनए बिकेगा, डीएनए हाँ सर पता है, हाँ डीएनए बिकेगा आदमी का, आदमी का ब्रेन बिक जाएगा। हाँ सर, किसका तो ब्रेन मर गया था ना, तो उसको निकाल कर ब्रेन को पीछे पीस काट कर सारा साइंटिस्ट भी दे दिया था। वो अलग कहानी, कोई वो झूठ बात है। चलो यहाँ देखो, उसमें देखते हैं 2050 में जाने वाला है तब सब होगा। देखो क्लोरीन, क्लोरीन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, वाटर प्योरीफिकेशन में, कहाँ करते हैं वाटर प्योरीफिकेशन, साफ करने में, नहीं साफ करने में, वाटर प्योरीफाइड साफ करने में, जैसे हम लोग कुआं में पानी कुआं में डालते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में एक्चुअली क्लोरीन ही होता है, क्या होता है क्लोरीन, नहीं ब्लीचिंग पाउडर। देखो यहाँ पे उसको, लेकिन सर उससे मछली उछली मर जाता है। हाँ मछली मर जाती, और मछली मर जाएगा। हाँ बहुत, मतलब बहुत जगह क्या होता है कि जहाँ तक फैलेगा इधर, बहुत लोग क्या करते हैं नाली में डालते हैं ताकि गंद नहीं मारे। नहीं स्टेशन पास देखोगे जाके, तो जितने लोग टॉयलेट वगैरह कर देते हैं जहाँ तक, वहाँ ब्लीचिंग पाउडर मार देते हैं ताकि महके नहीं। ठीक है, तो हम लोग बाथरूम में मरवाना चाहिए, नहीं सर बाथरूम में जो आपका टंकी बना हुआ है ना सर, वो टंकी में नहीं, वॉशरूम। अच्छा, वहाँ कपड़े ही धोते होते हैं। नहीं घर में यूज करता है, बाथरूम में डालने तक टंकी फट जाएगा, मर जाता नहीं, समझ गया होगा, फटेगा नहीं टंकी राइट। तो खत्म कर देते हैं ना, फिर अपना बात करते रहेंगे है ना। तो वाटर प्योरीफिकेशन में इसका यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे वाटर प्योरीफिकेशन में, और कहाँ यूज करेंगे आप इसका, कीटनाशक के रूप में, किस चीज में कीटनाशक, कीटनाशक के रूप में राइट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गैमैक्सिन, क्या लिखा हुआ है गैमैक्सिन, गैमैक्सिन, गैमैक्सिन को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको विरंजक चूर्ण, चूर्ण, अरे विरंजक चूर्ण ही बोलेंगे ना ब्लीचिंग पाउडर को, देख लेना एक बार डिक्शनरी वगैरह में अपना खोज खाज के। ठीक है, उसके बाद अक्रिय गैस जैसे हीलियम, एट नंबर अक्रिय गैस जिसको नोबल गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं नोबल गैस, या तो इसी को बोलते हैं इनर्ट गैस, क्या बोलते हैं इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, गैस इसको क्या बोलते हैं अक्रिय गैस कहा जाता है, क्या कहते हैं अक्रिय गैस, अक्रिय गैस राइट। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, अक्रिय गैस का यूज कहाँ करते हैं, बैलून भरने में, किसमें बैलून भरने में, क्या लिखते हैं नहीं बैलून में, इसको कौन सा गैस हीलियम का यूज करते हैं, कौन सा गैस का यूज करते हैं हीलियम का। देखो अक्रिय गैस बहुत सारे हैं, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जाइनन है, ये सब सभी अक्रिय गैस हैं, लेकिन हीलियम का ही यूज करते हैं क्योंकि हीलियम इन सभी में सबसे हल्का होता है, हल्का होता है ना इसी कारण। चलो आगे देखो, नाइन नंबर देखना है इसमें, नियोन, नियोन का यूज कहाँ करते हैं ट्यूबलाइट में, कहाँ करते हैं ट्यूबलाइट में करते हैं, कहाँ करते हैं ट्यूबलाइट में, कहाँ करते हैं बदमाश से। उसके बाद आर्गन का यूज कहाँ करते हैं बल्ब में, आर्गन का यूज कहाँ करते हैं बल्ब में, ये वाला बल्ब, ये नहीं नहीं वो पीला लक्का वाला बल्ब, वो बल्ब में जो रहता है सब जो लाल लाल जलता है उसको कहते हैं टेस्टर, टंगस्टन बोलते हैं, टंगस्टन होता है, छूट जाते हैं ना ये ऐसे करके फटा देता है फिर जला, तो उसी तरह होता है। देखिए आगे जो है इसमें नेक्स्ट जो है इसमें आगे बताते हैं इसको, दवा तो आगे, ए रुको, आगे जो क्वेश्चन आंसर हम देख रहे हैं वो बताते हैं, क्वेश्चन आंसर यहाँ चालू है चार से, बोल रहा है बिजली के तार बनाने हेतु तांबे का सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है, क्योंकि ये लचीलापन इसमें होता है। yes. ठीक है, इसमें तन्यता होता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, रुको इसमें बोल रहे हैं ध्यान से, इसमें इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, इसी कारण से हम लोग बिजली के तार बनाने तांबे का उपयोग करते हैं, और ये सस्ता भी होता है, ये क्या होता है सस्ता भी होता है राइट। इसको बोल रहे हैं धातु एवं अधातु के तीन तीन उपयोग बताना है, कितना बताना है तीन तीन उपयोग। चालू है रे कि बंद हो गया, चालू है सर।
कहाँ से चालू है? चालू है सर, एक अचारी कोड। अच्छा वहाँ आ गया, 24 मिनट हो गया ना। तो धातु और अधातु का तीन तीन उपयोग बता दीजिएगा जी। अभी ना आप लोग 10-10 उपयोग पढ़ लिए हैं, देखो तो तीन तीन उपयोग बता दीजिएगा। तो कारण बताना है कि एल्युमिनियम के पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री पैक को करने के लिए, ये सस्ता होता है और इसका पन्नी जो है इसे आप रख सकते हो। इसको देख लेना थोड़ा सा, खुद से इसको कोशिश करना करने का। उसके बाद सोडियम और पोटेशियम मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, तो ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं। देखो सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, इसी कारण इसको कहाँ रखते हैं, मिट्टी के तेल में। कहाँ रखता है? मिट्टी के तेल, मिट्टी तेल में। किरोसिन तेल, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक जिसका टुकड़ा में डाला जाता है, HCl + ZN दिखाया है, देखो यहाँ HCl और ZN हम लिखे हैं। यस देखो यहाँ पे HCl, देखो HCl + ZN ठीक है। तो इसका यहाँ करके दिखाए हैं आपको, तो ये क्या बनाता है आपका, जिंक क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? जिंक क्लोराइड। क्वेश्चन एक बार देख लें क्या है आपका, क्या होता है, हाँ क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक जस्ता के टुकड़े पे डाला जाता है, तो ये चीज है आपका क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्र में रख सकते हैं? नहीं। हाँ क्यों नहीं? देखो नींबू का पात्र को आप कोई मेटल वाला चीज़ में नहीं रख सकते हो। नींबू का मतलब जो चीज़ है आप, मीन्स खट्टा चीज, एसिडिक चीज़ आप कोई भी, कोई भी अचार नहीं, खट्टा चीज़, एसिडिक चीज, एसिडिक चीज़ को आप कभी भी आप मेटल वाले में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि रिएक्ट करेगा उसके साथ और मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा ना, देखो तो यहाँ पर क्या बनाएगा। हाँ बस आ रहे एक मिनट के लिए। हाँ जब देखो अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या बनाएगा, मेटल लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल लवण, धात्विक लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? धात्विक लवण। ठीक है, तो ये हो जाएगा। दिक्कत बना लोगे, करोगे इसको? हाँ तो बना लेंगे। तो एक से लेके रात में बनाना, देखो एक से लेके आठ तक, सुनो इधर, एक से लेके आठ तक पूरा बना हुआ रहना चाहिए। कल आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा, मैथ में 2D पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? 2D, 2D पूरा खत्म कर देना है। 2D हमको दिखा दो किताब में, 2D